जय हिंद, वेलकम टू कस्तूर लर्निंग। और आज करंट अफेयर्स टुडे की नई श्रृंखला के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है CAPF आधुनिकरण योजना 4। आपको बता दें कि अभी आज के दिन दिनांक 4 फरवरी 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आज के दिन इस आधुनिक योजना को लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा इसका आश्वासन दे दिया गया है और हमारे देश के गृह मंत्री ने इसको आदेश जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि CAPF आधुनिकरण योजना जो लागू की गई है, इसमें क्या फायदे होने वाले हैं और कौन कौन सी चीजें इस बार के बजट में जो बताई गई थी उनकी क्या व्यापकता है, इन सभी चीज की जानकारी आज हम की क्लास में लेने वाले हैं। तो CAPF आधुनिकरण योजना 4 की अगर हम बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसे कि हम CAPF के नाम से जानते हैं, के लिए आधुनिकीकरण योजना 4 को मंजूरी दे दी है। और आधुनिकीकरण योजना 4 गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में कुल 1523 करोड़, बहुत अच्छी जानकारी, 1523 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ लागू कर दी गई है। योजना के कार्यान्वयन से CAPF को समग्र परिचालन क्षमता तैयारी में सुधार करने में मदद मिलेगी। और ये जो योजना लागू की गई है, ये भारत के सशस्त्र बलों के लिए है। इसमें वो सारे बल शामिल हैं जो भारत को या दूसरे देशों से हमारे अपने देश की रक्षा करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, यह योजना 1/2/2022 से 31/3/2026 तक लागू की जाएगी, इसकी ये तिथि है। CAPF के लिए आधुनिकीकरण योजना 4 CAPF की विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती को ध्यान में रखते हुए उनके परिचालन आवश्यकता के अनुसार अत्याधुनिक हथियार और उपकरण से लैस किया जाएगा। ये जो योजना लाई गई है, ये भारत के सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक हथियार और सशस्त्र बलों को उपलब्ध कराए गए सारे साजो सामान को लेकर है। इसके अलावा CAPF को उन्नत IT समाधान भी प्रदान किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन से CAPF को समग्र परिचालन दक्षता तैयारी में सुधार हेतु मदद मिलेगी। और यह अंतरराष्ट्रीय सीमा LOC LAC के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों, लद्दाख और उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी क्षमता को मजबूत करेगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, सशस्त्र केंद्रीय बलों की अगर बात की जाती है CAPF में, CRPF BSF भी शामिल है। CAPF की आधुनिकीकरण योजना 4 लागू करने से इन बलों की दक्षता बढ़ने की तैयारी में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इससे देश का आंतरिक सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा और CAPF में CRPF BSF CISF ITBP SSB के साथ साथ NSG और असम राइफल शामिल हैं। आपको बता दें, ये सारे जो बल हैं, इनको सशस्त्र बल के नाम से जाना जाता है। CAPF के माध्यम से जो अभी हाल ही में योजना लागू की गई है, ये सारे बल CAPF में जोड़े जाते हैं। और इसी के साथ साथ CRPF को ज्यादातर आंतरिक सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए तैनात किया जाता है। वहीं सीमा सुरक्षा बल BSF को पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की सीमा की रक्षा करता है। इसके अलावा यह आंतरिक सुरक्षा भी करता है। इसी के साथ साथ आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, इसी तरह की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम CISF के नाम से जानते हैं, परमाणु संयंत्रों, हवाई अड्डों और मेट्रो नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है, जबकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है। अभी आज के दिन जो CAPF का जो चरण 4 लागू किया गया है, इसमें भारतीय CAPF या सशस्त्र बलों के हथियारों को सुसज्जित किया जाएगा और आधुनिक हथियारों से भारतीय सशस्त्र बलों को आगे बढ़ाया जाएगा। आज करंट अफेयर्स की टॉपिक में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए अगस्तु लर्निंग की तरफ से जय हिंद, जय भारत।